जरा जर्रा जर्रा, ये बताइए रोड कितने वर्षों से खराब पड़ा हुआ है? ये तो कम से कम 100 साल से इसमें। अच्छा, 100 वर्ष से खराब है। आज मैं बलरामपुर जनपद के अंतर्गत इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा के समीप स्थित ग्राम पंचायत नेवलगंज के मजरे अहिरनपुरा में खड़ा हूँ। आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं ये रोड है, जबकि ये रोड कुछ वर्ष पहले PWD के द्वारा निर्माण कराया गया था, लेकिन कुछ वर्ष चंद दिनों चलने के बाद ही इस रोड का जो है धराशायी हो जाना ये किसी को नहीं पता था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि बरसात के चलते यह रोड अब धराशायी हो गया। इस रोड पर सिर्फ और सिर्फ आपको गड्ढे व कंक्रीट ही दिखाई पड़ेंगे। आप देख सकते हैं ये बगल में जो गड्ढे हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। लोग इन्हीं रास्तों से होकर निकलते हैं इस गाँव को जोड़ने। इस रास्ते से तकरीबन 5 गाँव जुड़ते हैं, जो गाँव है आनंदपुरवा, अहिरनपुरवा, गौरीपुरवा, कोंडौरा व नेवलगंज है। हम आपको बता दें कि इस रास्ते से तकरीबन हजारों की संख्या में लोग यहाँ बाजार करने के लिए जाते हैं, और यहीं कहीं ना कहीं रात को अगर किसी को इलाज या दवा की जरूरत हो तब भी लोग इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इस रास्ते पर किसी जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान आज तक नहीं गया। हालांकि चुनाव रहते चुनाव के समय पे जनप्रतिनिधि अपने लाख दावे कोशिश पेश करते हुए नजर आते हैं। जनप्रतिनिधियों का दावा रहता है कि आप हमें मतदान दीजिए और हम जीतने के बाद कार्य करेंगे, लेकिन बस ये सिर्फ चुनाव तक ही हवा हवाई ही नजर आता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं इस समय लोकसभा चुनाव 2024 का भी माहौल चल रहा है, लेकिन अभी भी इस रास्ते पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। बड़ी बात यह है देश में डबल इंजन की सरकार है, जहां तक हमारी जानकारी है। अगर डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि विधानसभा तुलसीपुर है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अभी तक अगर हम विकास की बात करें तो इस गाँव में विकास को लेकर इस रोड पर कोई कार्य नहीं हुआ। ये रोड आज भी पत्थरों में तब्दील है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक मुहिम चलाया गया था जिसमें यह था कि गड्ढा मुक्त अभियान, लेकिन अगर गड्ढा मुक्त अभियान की बात की जाए तो कहीं ना कहीं धरातल पर सिर्फ और सिर्फ हवा हवा ही नजर आ रहा है। हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगा इनसे बात करने की। दादा क्या नाम पड़ेगा आपका? जर्राब। जर्राब दादा, ये बताइए रोड कितने वर्षों से खराब पड़ा हुआ है? ये तो कम से कम 100 साल से। अच्छा, 100 वर्ष से खराब है। दादा ये जानकारी दीजिए कि इसके लिए कभी कोई जनप्रतिनिधि गांव में आया या नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? लोग वोट मांगने के लिए आते नहीं आते? नहीं, बहुत जने आवत हैं वोट मांगने के लिए, बहुत जने आवत। उन्होंने कभी आपसे वादा किया कि इस रोड को सही कराया जाए? तो वादा कीने की तरह के काम है, जीत जाए तो हम का रोड सही करवा देंगे। तो फिर क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या दिख रहा है? हमें तो जीत लग रहा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो अब आप, आपके सामने लोकसभा चुनाव 2024 भी 2-3-4 महीने बाद आ रहा है, जिसमें फिर सांसद का चुनाव होना, इसमें आप लोगों का क्या निर्णय होगा? वोट नहीं दिया जाएगा। तो अच्छा ये बताइए दादा कि ये जो गांव बगल में कौन सा गांव है? अहिरनपुरवा। आप लोगों के लिए जाने के लिए एक मुख्य मार्ग होगा? बहुत परेशानी हुई है, बहुत दिक्कत हम लोगों के लिए है। कितने वर्षों से रोड खराब है? अरे 10 साल से तो नहीं, रोड खराब है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहिए था कि हमारी डामर रोड बनकर फिट हो जाए। सरकार ने तो कहा था कि हम गड्ढा मुक्त अभियान चलाया था, सरकार के द्वारा गड्ढा मुक्त अभियान चलाया गया था, उसका क्या असर दिखा आपके यहाँ पर? कुछ नहीं हुआ है सर, कोई असर नहीं दिखा। सोचिए और गौर कीजिए कि जो गड्ढा मुक्त अभियान सरकार द्वारा चलाया गया था, एक मुहिम छेड़ी गई थी सरकार द्वारा गड्ढा मुक्त अभियान, जिसके तहत जो भी सड़क थे उन्हें गड्ढा मुक्त करना था, लेकिन अब आपके सामने तस्वीरें बयां करती हैं कि गड्ढा मुक्त अभियान सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही सिमट गया। अगर धरातल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं गड्ढा मुक्त अभियान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ये जो रोड है, ये रोड पिछले कई वर्ष पहले बनाया गया था, और ये रोड बनने के महज 2 वर्ष के बाद ही टूट गया था। तब से ग्रामीण, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, शासन प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस रोड का कायाकल्प नहीं बदला। तब से सरकारें आई गई बदली, लेकिन किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। आज भी ग्रामीण इसी टूटे फूटे रास्तों पर चलने के लिए मजबूर। देखना यह है कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, इससे पहले क्या कुछ सरकार इस पर ठोस कदम उठाएगी, या फिर ऐसे ही लोग गड्ढे में तब्दील सड़क पर चलने के लिए मजबूर रहेंगे। तो बने रहें अनुपम मिश्रा के साथ SB News।